आज मेरा एक्चुअली बर्थडे कल है, मेरा बर्थडे कल है तो आज मैं पार्टी को कर रही हूँ ताकि मैं अपने सभी दोस्तों के साथ ड्रीमिंग कर सकूँ मेरा बर्थडे। तो कल का दिन तो काफ़ी चिल है बट आज दिस इज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम आई एम थ्रोइंग अ पार्टी। तो बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस थे, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला। आई थिंक इट्स अ बिग स्टेप। तो एनीवे मैं 23 की हो रही हूँ तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड। ऑनेस्टली मेरी फैमिली में एंड इनफैक्ट जिनको भी मैं जानती हूँ आई एम द ओनली वन जो अपने खुद के बर्थडे के लिए इतनी एक्साइटेड होती है। सो सारे 23 बर्थडे जितने भी मैंने बनाए हैं वो मैं बहुत शिद्दत से बहुत उसमें ध्यान देती हूँ। चाहे मैं अगर कुछ सिंपल भी कर रही हूँ आई एम ऑलवेज मेकिंग श्योर दैट इट्स स्पेशल, इट इज़ नाइस। तो मैंने और ऑल्सो पैंडेमिक आ गया था बीच में तो मैं अपने सब दोस्तों से एक साथ नहीं मिल पाई थी। यू नो गैदरिंग वॉज ऑलवेज की यू नो अभी गैदर कैसे करेंगे। सो लाइक दिस टाइम आई थॉट कि अभी थोड़ा सा सब सेटल हो गया है, पीपल आर स्टिल गेटिंग आउट। तो इस बार आई एम गोइंग टू थ्रो द बिगेस्ट पार्टी एवर एंड आई एम गोइंग टू कॉल ऑल माई फ्रेंड्स एंड दैट्स हैपनिंग। आई एम सो एक्साइटेड दिस बिगैन, आई सॉ अ कपल ऑफ देम कमिंग एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड। My journey with OTT has been very special. It has given me a whole different kind of experiences, so many opportunities. मुझे बहुत अलग अलग किरदार करने को मिले हैं OTT के जरिए। तो आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे बहुत अच्छे शोज आ रहे हैं। मेरा एक Amazon मिनी टीवी पे शो आ रहा है शुक्ला के साथ। इट्स अ वेरी डिफरेंट, माई कैरेक्टर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग दैट आई हैव डन बिफोर। और होस्टल डेज सीज़न 3 आ रहा है, गर्ल्स हॉस्टल सीज़न 3 आ रहा है, कोटा फैक्ट्री का भी सीज़न 3 की बातें चल रही हैं, लिखा जा रहा है वो। तो बहुत सी चीज़ें हैं पाइपलाइन में और अभी हाल ही में ख़त्म हुई है। गर्ल्स हॉस्टल सीज़न 3 इस बार आई थिंक सितंबर या अक्टूबर के बीच में आएगा। इसमें बहुत काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है इस बार भी। इस बार भी हम पॉलिटिकली थोड़ा सा बात करेंगे और भी बहुत सारी जो गर्ल्स हॉस्टल में चीज़ें होती हैं उसको कवर करेंगे। तो हाँ अच्छा हो गया शूट, सब अच्छा है, वो भी आएंगे सब। अगर हम बात करें गर्ल्स हॉस्टल सीजन्स की, बात करें कोटा फैक्ट्री सीजन्स की, बात करें अलग किरदार नज़र आता है, पर ऐसा कोई किरदार जो आप एक्सप्लोर करना चाहो इन फ्यूचर? मुझे लगता है ऑल द कैरेक्टर्स मैंने अभी तक जो प्ले किए हैं वो सारे बहुत यू नो गर्ल नेक्स्ट डोर है, सिंपल है, बबली कैरेक्टर्स हैं। तो मैं उससे थोड़ा सा ब्रेक करके कुछ अलग करना चाहती हूँ इस बार। जो मैंने कहा Amazon मिनी टीवी का शो है उसमें मेरा बहुत अलग कैरेक्टर है, वो थोड़ी सी नेगेटिव है, रिच बिच जिसको कहते हैं वो है। आई डोंट नो इफ आई कैन से दैट वर्ड बट वो है। और भी मैं अलग अलग किरदार प्ले करना चाहती हूँ। आई वांट टू प्ले अ गर्ल हु इज़ प्रॉबली एन एडिक्ट और who's going through something mentally, ये सारी चीज़ें मैं करना चाहती हूँ। आई थिंक वो हर एक्टर का ड्रीम होता है ये सब करना। और ऐसा कौन सा रियलिटी शो जो आप पहला करना चाहोगे? बिग बॉस है, लॉकअप है, डांस रियलिटी शो है, अलग है, कौन सा ऐसा फेवरेट? ऑनेस्टली मैं रियलिटी शोज़ की सबसे बड़ी फ़ैन हूँ। मैंने लॉकअप पूरा एवरी डे शिद्दत से फॉलो किया है। मैं हर बिग बॉस का सीज़न भी फॉलो करती हूँ बट आई डोंट थिंक मैं उतनी स्ट्रॉन्ग हूँ या उतनी स्मार्ट हूँ कि मैं ऐसे किसी शो में जा पाऊँ। बट अगर मैं करना चाहूँगी तो आई थिंक झलक दिखला जाए, समथिंग दैट आई वांटेड बिकॉज आई लव डांसिंग, तो दैट वुड बी समथिंग। पर मैंने रियलिटी शो किया है बचपन में, एक जी टी वी के लिए एक शो था छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसमें मैं फर्स्ट रनर अप थी, सो दैट वाज फन। तो मैं फॉलो नहीं कर पा रही इस बार का सीज़न बट मुझे लगता नहीं है मैं खतरों के खिलाड़ी में जा पाऊँगी क्योंकि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डरपोक हूँ। मैं एक छोटे से कॉकरोच से भी डर जाती हूँ, तो उसमें तो बहुत बहुत स्टंट्स करने पड़ते हैं, स्नेक्स के साथ करना पड़ता है, स्पाइडर्स, ये सब। तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी वो कभी भी बट आई लव वॉचिंग इट एंड आई वुड लव टू मीट रोहित शेट्टी एंड डू अ फिल्म विथ हिम इंस्टेड। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू गाइज एंड येस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल है बस। थैंक यू। बाय बाय। ओह अच्छा हाँ विजुअल्स ओके ओके हाँ इधर तो बेटर है ऐसे मेरे को नहीं आता है बताइएगा भाई हम लोग नहीं अपने आप खड़े रहिए हम लोग को आदत है कॉमेडी वीडियो बनाने की भाई लेफ्ट में लेफ्ट आ जाओ पहले तो काफ़ी खुशी हुई आपको देख के। जी 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 बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे हो बर्थडे एहसास ने मैसेज किया मुझे कि तू नहीं आएगा तो मैं पार्टी नहीं करूँगी। एहसास अफकोर्स ने किया है सब मेरे को बता रहे हैं मेरे को मैसेज आया तो नहीं नहीं बट एहसास और मैं काफ़ी पहले से अच्छे फ्रेंड्स रहे। इनफैक्ट मेरे हमारी कॉमन फ्रेंड होती थी उसके थ्रू हम फ्रेंड्स बने। सो आई एम वेरी हैप्पी आज पैदा हुई तो फ्री की दारू मिलेगी। एंड यूट्यूब की मैं बात करूँ लाइक OTT प्लेटफॉर्म आप दोनों काफ़ी ज़्यादा हिट हो। जी जी की बात करें आपकी बात करें उनकी बात करते हैं उनके कौन से शो आपको काफ़ी मुझे कोटा फैक्ट्री तो पसंद ही है। हॉस्टल डेज जो शो है मेरे को उसमें एहसास का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अंडररेटेड जो एहसास सच में है ना उसने अपना वो रोल कोटा फैक्ट्री में प्ले किया। सो आई एम फैन। क्या कहना चाहोगे जैसे बीवी ने अभी लाइक सीरीज निकाली थी फैंस साथ आप भी कुछ ऐसा कुछ मेरा प्लान चल रहा है ऐसा एक बट वो बहुत अलग सीरीज़ है। मतलब ढिंडोरा कैसे काफ़ी कॉमिक था मैं कुछ और बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी कॉमेडी रहेगा लेकिन कुछ अलग जोन में। एंड किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए आप देख रहे हो लाइक OTT में आप स्विच? हर जगह अपना चैनल तो है ही वहाँ पर इतनी पब्लिक उनको पहले फ्री में देना है उसके बाद उनको फ्री में देके फिर कोई और OTT पे चले जाएंगे हम लोग। क्या कुछ बातचीत चल रही है डायरेक्टर रोहित वैसे तो आपको पता है लाइक यू गाइस आर गुड या वेरी क्लोज तो उनके साथ कुछ उनके साथ ऐसा बात हुई है कॉन्वर्जेशन हुई है बट होगा तो डायरेक्शन के जोन में ही होगा। आई वांट टू डायरेक्ट अ फिल्म फॉर हिम सो लेट्स सी। उनका शो भी चालू है खतरों के खिलाड़ी। हाँ अरे बहुत बट रिसेंट टाइम में मैंने इतना फॉलो कर पाया हूँ बट हाँ इट्स डूइंग ग्रेट। और वो और हैंडसम होते जा रहे हैं रोहित सर डे बाय डे। वो खुद ही मेरे को लगता है अभी नेक्स्ट टाइम वो खुद ही कंटेस्टेंट बन जाएंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक्स की मैं बात करूँ तो हाल ही में लाल सिंह चड्ढा को भी बॉयकॉट करने की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है आप क्या कहना चाहोगे उससे? सर मैं सच्ची बोलूँ मैं इन बातों पर बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि मैं बात करता हूँ फिर मैं बॉयकॉट हो जाऊँगा। ठीक है मुझे बॉयकॉट नहीं होना है। अभी मैं बोल रहा हूँ ट्विटर पे आ जाएगा बॉयकॉट आशीष चंचलानी तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। अरे नहीं नहीं सर अभी मैं नहीं अभी जाता हूँ मैं एहसास वेट करे मेरे को मार डालेगी मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। थैंक यू मीडिया थैंक यू सो मच आप लोगों को। खाना ना खिलाया एहसास ने आपको? मैं बोलता हूँ उसको भेज दिया खिलाया ना खिलाया नहीं बोल रहे भाई यहाँ पे क्या बोलूँ ये क्या कहना चाहोगे दोस्त का कल बर्थडे प्री बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है उसके बारे में पूरा बताइए कितनी एक्साइटमेंट है ऊपर? एक्साइटमेंट तो मतलब बर्थडे के लिए जितनी एक्साइटमेंट होती है उतनी है अभी क्या मतलब और एक्साइटमेंट बट मेरी शूट ख़त्म हुई अभी और इसके लिए काफ़ी टाइम अभी मिला है ऑफ तो अभी बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ मैं एहसास को भी। सो आई जस्ट होप दैट आई हैव अ गुड टाइम आई एम लुकिंग फॉर अ चिल टाइम तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। एज एन एक्टर शी इज़ फिनोमिनल आई फील शी इज़ वेरी गुड एज एन एक्टर। एज अ फ्रेंड तो शी इज़ माई ईटिंग पार्टनर। मतलब जब भी अपने को खाना होता है कुछ तो एहसास के साथ क्योंकि जब डाइट टूटती है ना तो एहसास के साथ डाइट तो अरे सर हाँ बस मेरा एक शो अभी ख़त्म हुआ है लाइन्स गेट के लिए इट्स कॉल्ड -1 वो जस्ट अभी ख़त्म हुआ है तो, हाँ PFA 3 अभी रिलीज़ होने वाला है यही मंथ ऐसे अभी मैंने फर्स्ट ये मंथ रिलीज़ होगा प्रॉमिस डेट मैं अभी नहीं बताऊँगा बट प्रॉमिस ये वीक रिलीज़ होगा। सो ये थोड़े दिनों में आपको सब पता चलने लग जाएगा। थैंक यू सो मच आइए सर साथ में विजुअल्स कर लेते हैं। होटल्स की दुकान अरे का किधर किधर आगे रख दूँ क्या यहाँ पे? हम लोग एक ही कॉलेज से, पता है क्या? जूनियर है मेरा, सीनियर है मेरा, यूपी जी। यही अकेले ना आप भी? यार अकेले क्या है, साथ में थोड़ा और ले, थोड़ा आदमी तो थैंक यू सो मच। आप इसको ले लो, अकेले ले लो, ठीक है भाई। हाय एहसास यार इतनी प्यारी, इसलिए मैं उसके कपकेक्स लेके आया हूँ। वो कपकेक जैसी, मैं उसको कपकेक बुलाता हूँ। तो हमने एक शो किया था एरोस नाउ के लिए और तब से वो मेरी दोस्त है। और कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो लाइक आपको काफ़ी अच्छा लगता हो, कोई ऐसा? कोटा फैक्ट्री। मुझे उनके एक्चुअली सारे शोज़ पसंद है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद है वो है ओ माई फ्रेंड गणेशा। तब से मैं उसका फ़ैन हूँ एंड आई जस्ट एब्सोल्युटली लव द एनर्जी दैट शी हैज़। एंड आपके बारे में बताइए कुछ, किस तरह के प्रोजेक्ट आने वाले हैं समय में, देखने के लिए आपके? मैंने हाल ही में एक शो किया था फॉर लाइन्स गेट प्ले, उसका नाम था फील्स लाइक हो। एंड अभी मेरी एक फिल्म आने वाली है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो कुछ ही टाइम में भी आने वाला है। सो यू गेट इट। ये सब सरप्राइज पैकेज है, बट आई कैन से इज दैट अनुभव सिन्हा इज द डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऑफ दैट फिल्म एंड रत्ना सिन्हा इज द डायरेक्टर ऑफ दैट फिल्म। और मैं एक्टर हूँ। सिन्हा की बात करें, काफ़ी कमाल के डायरेक्टर हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है इतने बड़े डायरेक्टर के साथ काम करने में? मेरी खुशनसीबी मानता हूँ मैं, क्योंकि एक नया एक्टर, मैं बहुत नया एक्टर हूँ, तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक थिएट्रिकल रिलीज़ आना, एक ऐसी फिल्म, जबकि आज सब OTT पे की फिल्म रिलीज़ करते हैं, उस टाइम पे थिएटर में लेकर आना उस फिल्म को बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा रिस्क है और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्लैड एंड यू विल गेट टू नो वेरी सून अबाउट इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही पोस्ट करना है? ओके, मेरे को बातें ज़्यादा करनी है। यहाँ बस बहुत खुश हूँ एहसास के बर्थडे की वजह से, उनकी ग्रोथ की वजह से। अब कॉन्स्टेंटली सीन हो ग्रो, so I'm always happy to be a part of all our celebrations. And from the interview देखा आपका एहसास का, काफी amazing interview and the way you speak, the way you give the interview, आपकी कौन सी बातें काफी अच्छी लगती है एहसास के बारे में? एहसास का work ethic बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो बचपन से ही professional है, तो आपको उनमें professionalism बहुत ज़्यादा दिखता है। मतलब even if she's your friend, you always spot कि यार ये इंसान बहुत ज़्यादा mission oriented, बहुत ज़्यादा professional है। That's what I love about एहसास। आपने नाम ले लिया उनका, गौर गोपाल दास प्रभु, वो मेरे फेवरेट है। और इंडियन आर्मी के रैम्बो मेजर विवेक जेकब, वो मेरे फेवरेट है। एंड ऑफ कोर्स एहसास इज़ वन ऑफ दी ऑल टाइम फेवरेट्स। अरे अब इस्कॉन वाले बंदे हो। और आने वाले समय में किस तरह के इंटरव्यूज देखने मिलेंगे? मुझे राजपाल यादव, जॉनी लीवर जैसे लोगों का इंटरव्यू भी लेना है। देखेंगे, बहुत कुछ प्लान्ड है। एंड मेनली इंडियन मिलिट्री का टाइम आ चुका है, तो लॉट्स मोर मिलिट्री इंटरव्यूज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। कोई लाइनअप है लाइक ऑन एयर करने के लिए इस वीक पे कुछ देखने मिलेगा? इस वीक जाह्नवी कपूर आ रहे हैं फ्राइडे को, और होपफुली इस महीने वील कवर आमिर खान में भी देखते हैं। आमिर खान की बात आपने की, लाल सिंह चड्ढा काफ़ी चर्चे में है, काफ़ी लोग कह रहे हैं बॉयकॉट भी कर लो, आपका क्या सोचना उसके ऊपर? आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग। जाह्नवी कपूर की नई सीरीज आई, उसके बारे में क्या कहना? जाह्नवी कपूर एक अनडिस्कवर्ड टैलेंट है अकॉर्डिंग टू मी। बहुत लोग उनको लेके बहुत अजम्पशंस कर लेते हैं। आई फील कि पॉडकास्ट के थ्रू लोग उनके बारे में, उनकी असलियत को जानेंगे। प्लीज़ वो एपिसोड देखिए हमारा। can do it. But मैं जानना चाहूँगा आप किसके साथ सबसे पहले काम करना चाहोगे और क्यों? कोई ऐसी शख्सियत के साथ बहुत खुश हूँ यार, मतलब पॉडकास्ट करते तो आई जस्ट वांट टू कंटिन्यू. आई फील जो रोगन इंटरनेशनल स्टेज पर पहुँच चुके हैं, इंडिया को भी एक जो रोगन की ज़रूरत है, तो वो होपफुली हम बनेंगे, देखते हैं. थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू. इट्स सुपर फन एक्चुअली. यही मौका मिलता है जब एक्चुअली हम लोग हैंग आउट कर पाते हैं, वरना बिजी होते हैं अपने अपने लाइफ में, शूट्स ये वो और व्हाटएवर. तो या इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट, टू हैंग आउट, टू हैव फन एंड विश आवर बिलवेड फ्रेंड हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे एजाज. फ्रेंड की बात करें, इतने सारी वेब सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने काम किया है, कोई ऐसा लाइक पर्सनल फेवरेट आप लोगों का हो? Starting with you. I think उसने recently ना कुछ ads किए थे एक बहुत ही cute लड़की के साथ में, तो मुझे वो ads बहुत अच्छे लगे थे जो हमने साथ में किए. And what do you want to say? Of course, she's a brilliant actor. हम child actors साथ में हुआ करते थे. I've been seeing her since then and lately जुगाड़िस्तान, Mismatch दोनों में I've seen her done fab job. And आप लोगों के कुछ projects के बारे में मैं जानना चाहूँगा. कुछ आने वाले समय में are you working right now? Yes, we are working, but वो हम उस टाइम पे बात करेंगे. कुछ तो बता दीजिए सब आने वाला है, किसके साथ आने वाला है? That thing you can say. हाँ कोई बात नहीं, वो जब प्रोजेक्ट आएगा तभी. If you want to say please. No, nothing I can talk about yet. कुछ तो आने वाला है. एक है Spotify पे शनाया, it's my baby, so listen to शनाया on Spotify. That is already on air. Please go watch it right now. Yeah, we all know that. Thank you so much. Thank you.